नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। एमएसयू का अनशन तीसरे दिन भी जारी है। अमित और विद्याभूषण की जो हालत है वो थोड़ी नाजुक हो चुकी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उनको पानी चढ़ रहा है। और आपको ये भी बताना चाहें कि बहादुरपुर के वीडियो प्रकाश कुमार भी आए थे, उन्होंने उन्हें अनशन ख़त्म करने की बात कही। इसी बात पर उन्होंने कहा कि एसएसपी साहब से बात हुई है और वो वहाँ आधारपुर की जो घटना को लेकर के काफ़ी चिंतित है और जल्द से जल्द अभिव्यक्तियों को वो गिरफ्तार करेंगे। एमएसयू के प्रवक्ता ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है उन तीन अभिव्यक्तियों को तो ये अनशन जारी रहेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक। आइए सुनते हैं प्रकाश कुमार ने, आइए तो सुनते हैं कि प्रकाश कुमार ने क्या कहा और एमएसयू के प्रवक्ता ने इस पूरे हालात पे किस तरीके से अपने धरना प्रदर्शन को आगे रखेंगे और उनकी क्या मांगे हैं। सर, यहाँ 24 तारीख से ये लोग अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। आधारपुर में इतनी बड़ी कांड हुई, एक महिला को इस तरह से अपमानित किया गया सीता मैया की धरती पे, फिर प्रशासन पे आरोप लग रहा है कि प्रशासन अभी तक गिरफ्तारी करने में बहुत सुस्त है, आपका क्या कहना है इसमें? मैं यहाँ प्रतिनियुक्त राजीव साहब के स्तर से दंडाधिकारी के रूप में हुआ हूँ। मुझे जानकारी मिली कि ये लोग अनशन पे हैं और ये भी जानकारी मिली कि एसएसपी साहब के माध्यम की तरफ से और इन लोगों को भी तरफ से जो है सो पर्दा के लिए समय दिया गया था 11 बजे। मनीष पांडे जी जो लीगल प्रभारी हैं एमएसयू के, एसडीओ साहब भी थे, हम भी थे और एसएचओ लजियासराय भी थे और एसएसपी सर के ऑफिस में वार्तालाप हुई है। इनका डिमांड था कि एक्यूज्ड जो है उनका अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो और इसी कारण ये लोग यहाँ मंथन पर भी बैठे हैं और एसएसपी साहब के द्वारा इनको जहाँ तक हम भी वहाँ थे और ये भी आपको बताएंगे ही, तो उनके द्वारा कहा गया है सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग सभी एक्यूज या तो 2 को अरेस्टिंग हो चुका है और टेस्ट आउट किया जा रहा है बाकी को, और 2 से 3 दिन के अंदर या तो आत्मसमर्पण करेंगे या गिरफ्तारी होगी। सर, इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होती है कि लोग अमन अनशन पर जाते हैं, इतनी बड़ी घटना है? इसलिए मैं कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। सर, ये बताइए, अभी तक 12 दिन हो चुके हैं, 2 ही अरेस्टिंग हुए हैं, ऐसा आश्वासन मिल रहा प्रशासन की ओर से कि 2 से 3 दिन के अंदर में जो 13 बचे हुए हैं उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी, क्या संभव लगता है? एसएसपी सर के द्वारा खुद ही आश्वासन दिया गया तो जिला में उनसे बराबर अधिकारी तो कोई नहीं है। इस तरह के जो मामलात होते हैं बिहार में और दरभंगा में जिस तरह की सभी बढ़ने लगी है, प्रशासन इतना चुस्त और मतलब काफी ढीले जाके काम करती है कि लोग को रास्ते पे या अनशन पे बैठना पड़ा। अगर प्रशासन सही टाइम पे वक्त पे काम करे तो फिर ये आम अनशन क्यों हो? प्रयास तो क्या ही जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या कुछ ना कुछ है समस्या, लेकिन जब हमारे उच्चाधिकारी द्वारा इस तरह का आश्वासन दिया गया है तो पूर्ण विश्वास करता हूँ कि वो पे अमल जरूर लाएंगे। ये भी प्रशासन पे ये भी आरोप लग रहा है कि वहाँ एक जो दबंग है, जो लड़की पक्ष है, उन पक्षपात की भावना जिससे हो रही है कार्रवाई। एसएसपी सर के द्वारा वहाँ भी बताया गया है उनकी सुरक्षा के लिए जो लोग डिमांड किए हैं तो उनके यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है और घर पे पुलिस फोर्स लगी हुई है सुरक्षा के लिए, और यहाँ भी इनका डिमांड था कि जो डीएमसीएच में एडमिट है वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था हो। एसएसपी सर ने वहाँ के लिए इनको आश्वासन दिया है कि वहाँ भी हो जाएगी, सुरक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। कहीं कोई प्रशासन के तरफ से कहीं कोई कमियां अगर है तो उन कमियां का उसका निराकरण करके तुरंत उसका किया जाए। आपके यहाँ आने का उद्देश्य? मैं एक दंडाधिकारी के रूप में यहाँ एसडीओ साहब के स्तर से पत्र निर्गत है जिसके आलोक में मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और कोई विशेष बात नहीं खत्म करवाने के लिए। मेरा उद्देश्य तो वही है कि ये लोग जितना जल्दी अमरण अनशन पे वार्तालाप भी हो गई है वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ, तो प्रयास यही रहेगा कि जितना जल्दी ये लोग समाप्त कर दें, तो क्योंकि किसी का सेहत के साथ किसी जीवन के साथ किसी के साथ खिलवाड़ ना हो, इसीलिए हम प्रयास यही करेंगे शीघ्र इनका भी मांग का पूरा हो और ये भी समय पर यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो इनके लिए भी ठीक रहेगा, ये इसी का मेरा प्रयास है। आपका परिचय? प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुर। नाम सर? प्रदीप कुमार। अभी यहाँ पे एसएसपी के माध्यम से वीडियो साहब आए हैं,
उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? अभी एसएसपी साहब के पास हमारी मीटिंग हुई, जिसमें एसडीओ सदर और बीडीओ साहब वहाँ पे उपस्थित थे। वहाँ पे हमें आश्वासन दिया गया है कि 48 घंटा से लेकर 72 घंटे तक की में सारे अभी की गिरफ्तारी हो जाएगी जितने भी एक्यूज हैं। वहाँ से हमने आश्वासन को मानते हुए जब धरना स्थल पे वापस आया तो मुझे 3 लोगों का लीड मिला, 3 अभियुक्त, एक पटना में और 2 उसी गाँव में। तो हमने फिर बीडीओ साहब को बोला कि जो आप इन तीनों का गिरफ्तारी करवाइए, फिर हम अनशन के बारे में सोचेंगे। और उसके बाद हमें जानकारी मिली, सबसे अहम जानकारी, कि एफआईआर की कॉपी में काफ़ी धांधली हुई। उस महिला को 2 घंटा रूम में बंद रखा गया और उस पर अटेम्प्ट टू रेप का एक्ट नहीं लगा। उसके बाद 5 लोगों से ज़्यादा अगर घर में लूटपाट होती है तो डकैती का एक्ट लगना चाहिए, वो भी एक्ट नहीं लगा हुआ है। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। तीसरा, अगर किसी घटना को अंजाम देने के लिए अगर गैंग बना के जाते हैं तो उसको गैंगस्टर का भी एक्ट लगता है, वो भी नहीं लगा। और सबसे अहम मुद्दा, एक समाज में अगर आप कुछ बुरा कर रहे हैं या अहित कर रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है, NSA, जो क्षति समाज को अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो NSA लगता है, तो वो भी एक्ट नहीं लगा। अब इससे ज़्यादा क्षति नहीं हो सकती है समाज। एक महिला को सरेआम अर्धनंग करना, एक दलित से शादी करवा देना, मांगों निकवा के उसको मारना, बाल काट देना, रूम में बंद करना, और वो यहाँ तक कि उससे जोर जबरदस्ती भी करना, क्या अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है? और नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगा। पिछले 10 दिन से महिला अभी DMCH में है, अभी तक अटेम्प्ट टू मर्डर का भी नहीं लगा है। और आप इस आश्वासन से कितने संतुष्ट हैं? आश्वासन से हम अभी तक संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हमने अभी अनशन नहीं तोड़ने का निर्णय लिया। संतुष्टि के लिए क्या चाहिए आपको? संतुष्टि के लिए हमने जो 3 लीड दिया है, प्रशासन अपनी एक्टिविटी में आ जाए, तीनों गिरफ्तार करके दिखाएं कि हाँ अब हम कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी में आ रहे हैं, तब हम सोचेंगे। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि तीनों जो आपने लीड दिए हैं वो उनको अरेस्ट कर ले तो आप अपना अनशन तोड़ देंगे? हाँ, अगर हम मुझे उनका पॉजिटिविटी दिखेगा तो अपना सोचेंगे। ये 3 अगर लीड अगर अरेस्ट हो जाता है तो जी। नाम मनीष पांडे, राष्ट्रीय लीगल प्रभारी मिथिला स्टेट।